कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्राणवायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संस्कृति,
हमारी परंपराएं हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, पारसी और जैन हो, हम सभी एक बृहद परिवार के ही सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। आइए आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 सीआर बालू जी। माननीय मंत्री जी, सभी एडजोन महोत्सव में शून्यकाल में बुलाऊंगा, मैंने बोल दिया ना आपको शून्यकाल में। माननीय मंत्री जी, श्रीमती संगीता आजाद, आप सभी को मैं शून्यकाल में मौका दूंगा। प्लीज प्लीज, मैंने आपको बोल दिया शून्यकाल में मौका दूंगा, बैठ जाइए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन माननीय मंत्री, डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण जिन जिन लोगों के साथ जो डेबिट कार्ड और एटीएम से जो सर जो डेबिट कार्ड और उससे जो पैसे निकाले जाते हैं, जिन लोगों का फ्रॉड हुआ है, क्या ऐसे लोगों की सब्सिडी या किसी माध्यम से द्वारा इनके पैसे रिटर्न करने की क्या सरकार की कोई व्यवस्था है? ऐसे तो ये प्रश्न इसका फाइनेंस वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्रॉड की अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनी हुई है। अगर कोई फ्रॉड कुछ समय के अंदर पकड़ा जाता है तो उसको डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनी नॉर्मली रिवर्स करती हैं, लेकिन इसमें सरकार दखल अंदाज करे ऐसी कोई व्यवस्था का संभावना नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 श्री लल्लू सिंह जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे, क्या भारत और अमेरिका के बीच पूर्व में भी इस प्रकार के औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ है? यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले, तथा पूर्व में हुए समझौते तथा अब हुए समझौते में अंतर क्या है? माननीय मंत्री जी। सर, this agreement was signed in December 18 on 18th of December 2019, and before this the member seems to ask if there have been any such agreements before this. In 2002 the General Security of Military Information Agreement was signed, and it is for
classified defense related information to be shared between governments that was signed, and this one, through the medium of the government, information can now be shared with others also, but exactly through the medium of government only. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे, अब राम मंदिर के ट्रस्ट बना करके एक व्यवस्था ठीक से चलेगा जी, और जल्द से जल्द इसका कार्रवाई शुरू हो जाएगा जी। देखिए, यह देश कानून से चलता है, और कानून कहता है कि 3 महीना के अंदर मैं आपको देना है। इतना देर भया, ये भी एक जैसी रहा, 2 महीना एक महीना पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन कानून के अगर 3 महीना के अंदर में नहीं देंगे तो फिर कोर्ट में दरखास्त दे कि हमको बढ़ाया जाए, न बढ़ाए बढ़ावे ओकर काम है। तो अपना कर्तव्य है इन लोगों के, सरकार के, कि जल्द से जल्द ट्रस्ट का निर्माण कर दें जी। तो महाराज जी, ट्रस्ट के गठन का ऐलान हो गया है, इस कितना उत्साह है आप साधु संत? देखिए, ट्रस्ट के गठन को सामने आवे पहले कि कैसा ट्रस्ट बना है, का बना है, तो साधु संत तो सब जानता है कि ट्रस्ट का निर्माण होगा, मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लेकिन उत्साह तो ये है कि जब पहले पूरा आ जाए कि कोई कैसे ट्रस्ट बना है, के ट्रस्ट में है, कैसे व्यवस्था है, अब उसके बाद में उस पर भी विश्लेषण किया जाएगा जी। क्या मानते हैं महाराज जी, जो इतना लंबा पुराना मामले का पटाक्षेप हो गया है, तो अब इससे काफी खुशी है अयोध्या मंदिर भव्य नहीं? इससे अयोध्या में नहीं, समझिए, पूरा विश्व में खुशी है कि राम राज्य के स्थापना के एक प्रकार के ये शुरुआत हो गया। धर्म स्थापना जिस सभी युग में, चाहे द्वापर आया तो कृष्ण भगवान से धर्म की स्थापना किए, और जो भी, चाहे वो का नाम है महात्मा गांधी आए तो देश के आज़ादी के स्थापना किए, उसी प्रकार से धर्म के स्थापना के समय है। धर्म सभी व्यक्ति को, धर्म कोई जात पात मजहब नहीं देखता है, धर्म एक धारण करने के वस्तु है, जो धार्मिक लोग हों, सचरित्र हो, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन हो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, राम राज्य के ही स्थापना है कि सभी के सभी सुंदर हों, सभी के सभी विद्वान हो, नहीं सुलग, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। हमारे देश में कोई आदमी कुपोषण से न मरे, कोई आदमी किसी प्रकार से दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। तो राम जी के मंदिर बनने के मतलब हम लोग राम राज्य के कल्पना करता हूँ, जो तुलसीदास जी ने लिख दिए। तुलसीदास जी जो राम राज्य के कल्पना लिखे हैं, विश्व में कोई भी शासक, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा सुंदर राम राज्य के कल्पना कोई भी कभी नहीं कर पाया है। इसलिए तुलसीदास जी जो राम राज्य के कल्पना किए हैं कि सब नर करें परस्पर प्रीति, अचले सो धर्म निरत सुत नीति, अपना अपना धर्म, माता पिता के जो धर्म है धर्म करे, पुत्र का धर्म धर्म करे, समाज में जो है बड़े छोटे सबको इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाए, और सबके सब मिल करके देश और समाज को आगे बढ़ावे। इसलिए धर्म की स्थापना है, ये कोई व्यक्ति की स्थापना नहीं है। राम जी तो धर्म स्वरूप है, धर्म ही भगवान के स्वरूप है, और धर्म स्वयं अवतरित हो रहा है इस पृथ्वी पर, और धर्म के स्थापना के लिए पूरा देश लगा हुआ, पूरा विश्व लगा हुआ, पूरा जनमानस लगा है। कौन आदमी नहीं चाहता है, कौन देश ऐसा नहीं चाहता कि धर्म की स्थापना हो, धार्मिक लोग बने, अच्छे लोग बने, सब सुंदर बने, सब चरित्र बने, सब विद्वान बने, सब अपने से बड़े को आदर करें।